हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप भी अपने YouTube को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, खुद वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। आपको सेटिंग में जाकर अपने चैनल में जाना है, तो आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं लगेगा। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आप इस तरह अपना QR निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं और इसको आप अपने Gmail पे भी सेंड कर सकते हैं। आप फ़ोन की सेटिंग में जाके, कैमरे की सेटिंग में जाकर लेंस से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे जाकर, ये देखो कैमरे का निशान होता है गूगल के पास, उस कैमरे में जाके स्कैन कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है जी, जहाँ से आपने अपना फेस की वीडियो भेजना है अपने, तो इसके भी दो तीन तरीके हैं भेजने के, आपको बताता हूँ। जहाँ कैप नहीं पहननी है, बिना कैप के करना है, मैंने कटिंग करी हुई है तो मुझे इस तरह ही वीडियो बनानी पड़ी। कुर्सी पे बैठ के नहीं करना है, क्योंकि पीछे देखो कुर्सी आ रही है आपकी, आपको बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड पे जाना है, वहाँ आपने करना है, तो आपका वीडियो अच्छे से हो जाएगा। आपको ये मैसेज कर रहा है कि आप फेस साइड पर ले जाके सीधा करें, तो इस तरह करने के आपका नहीं हो रहा, तो इस तरीके से आप करने से भी आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसको 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, आपने आईडी आपकी सबमिट करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कहीं को दिक्कत आ रही है आईडी सबमिट करने में, तो इसके लिए आपको करना है यहाँ से QR निकालना है। जीमेल पे भी भेज सकते हैं, पर नहीं हम यहाँ से करेंगे। इसके लिए आपको अपना फ़ोन चाहिए, सेम मेथड मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा कि आपको जहाँ कैमरे के लेंस में जाकर स्कैन कर सकते हैं। आपके जहाँ फीचर फ़ोन में ना हो तो आप गूगल पे भी जा सकते हैं, और गूगल पे जाने का मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। आपके पास जहाँ नीचे नहीं शो कर रहा है, तो आप अपने क्रोम में चले जाएं, क्रोम में जाकर आपको ऊपर की तरफ देखोगे तो आप वो माइक के पास कैमरे का निशान दिया हुआ है, उसमें आपने जाकर क्लिक करना है। देखें आप कैमरे का लेंस आपका फिर दोबारा खुल गया है, ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। जहाँ से आप फिर स्कैन करें, तो आपकी कईयों को ऐसे दिक्कत आ रही है कि जीमेल खुल जाती है आपकी, तो उसके लिए आपको कौन सी सेटिंग करनी है। और यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ ही आईडी बना रहे हैं, अपनी आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आईडी नहीं पूछ रहा है आपकी। इसका मतलब है कि आपको अपनी अकाउंट की सेटिंग करें, तो आपको अपने आईडी की सेटिंग करने के लिए गूगल पे जाना है और अपने जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। जो आईडी पे आपने सेटिंग करनी है उसको ही सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने उसका अकाउंट खोल लेना है, गूगल अकाउंट। यहाँ पर्सनल इन्फो पे जाना है, यहाँ देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, पर कई आईडियों पे जैसे स्टूडियो का नाम लिखा होता है, अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। यहाँ उन्होंने आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी है और आपका नाम पूछा है, आपने अपना नाम भी ही डालना है, किसी और का नाम नहीं डालना, जो आपकी आईडी पे नाम है वो ही डालना है। और आप वहाँ अपने चैनल का नाम डालोगे तो आपको मोनेटाइज करने में भी दिक्कत आ सकती है। खुद अपना नाम डालें और रियल नाम डालें, उसके बाद आप वेरीफाई करोगे तो आपका थंबनेल भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे थंबनेल तब तक नहीं लगती है जब तक आपका वेरीफाई नहीं होता है, और आप 10 वीडियो से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते। इसके लिए आपको ये करने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। आईडी में आप अपना पासपोर्ट या लाइसेंस यूज करें, उसके अलावा आधार कार्ड अपना इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि आपका क्योंकि समय आपका भी समय भी खराब खराब होगा होगा और और आधार कार्ड आधार कार्ड से से चैनल को चैनल को वेरीफाई वेरीफाई नहीं किया नहीं जा किया जा सकता। सकता। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे मेरे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कर जरूर कर दें। दें। आपकी आपकी मदद मदद करने करने में में मुझे मुझे खुशी खुशी होगी। होगी।